दोस्तों, अभी आपने देखा कि राजवीर का परिवार अभी भी उनके गम में डूबा हुआ है। टिनका टिनका करके वो खुशियां समेट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी आपको बता दें कि इन सारे दुखों और तकलीफों को भुलाना चाहता है। साथ ही वो चाहता है कि अंशु भी अपनी पढ़ाई में मन लगाए। साथ ही आपको जेरी और रॉकी की अगर बात बताएं तो दोस्तों, वो आज भी बहुत ज्यादा याद आते हैं जेरी और रॉकी को, राजवीर। मगर इस परिवार में अगर कोई सबसे ज्यादा हिम्मत वाला है तो वो है सपना चौधरी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो यादें हैं हमें पिछले गम भूलने नहीं देती, तो सपना चौधरी जब भी अपने अतीत में जाती है तो वो बहुत उन्हें दुख और दर्द होता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि दो दो बार उनके साथ ऐसा हुआ। मगर हम तो इंसान है, कह कर अपना दुख जता कर अपने रो कर तो हम अपने दुख और गम को एक्सप्रेस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जानवर, ये बेजुबान जेरी के बारे में सोचिए, जो बेचारा बोलकर अपने दुखों को भी नहीं जता सकता। मगर राजवीर का पूरी परिवार जेरी को अच्छे से समझता है, उसे क्या तकलीफ है, उसे क्या हो रहा है, उसी तरह से उसे ट्रीट करता है। दोस्तों, आपकी और हमारी तरह जेरी भी चाहता है कि सपना चौधरी हमेशा खुश रहे। वो हमेशा अंशु को बताना चाहता है कि सपना चौधरी अपने अतीत को देखकर काफी दुखी हो रही है। वो उसे बताना चाहता है, वो किसी भी तरह उनके आंसू पोंछ ले और उन्हें फिर से खुश रखने की कोशिश करे।